सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। मुझे ब्रेकअप करना है, पता है क्यों? क्योंकि तुम साइको। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता तुमसे प्यार। प्यार, 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 प्यार। करना चाहते हो? समझ में नहीं आता क्या? मैं इससे और प्यार नहीं कर सकता। अगर मेरी बेटी को इससे प्यार नहीं होता तो अब तक ये यहां जिंदा खड़ा नहीं होता। Boys, let's get him. हो गया है और जानू के डैड यहाँ पर हैं। लाइव फाइट सीन चल रहा है। क्या कहा? फिर से ब्रेकअप किया? वो सच में किसी काम का नहीं है, मुझे पहले से ही पता था। तुम वहाँ मत रुको, चलो जल्दी निकलो वहाँ से। ओके माया, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। ठीक है डार्लिंग, तू चला जाएगा। ए, तू पागल है क्या? ऐसा बोलना पड़ता है? राम, बस हो गया राम। तू क्यों बीच में आ रहा है? मैं उससे प्यार करूँ या ना करूँ, वो मेरी बेटी है। So what? Hey, hey guys, hello, what's happening here? Hey guys, I will not leave you. हिंदुस्तानी हो? Hello, बहुत हो गया। Hey, क्या हो रहा है यहाँ पे? Hey, मेरी बेटी तुझसे प्यार करती, इसलिए सब भुला के तुझे हाँ बोला। और अब तू कहता है कि अब तू उससे प्यार नहीं करता? 100 बार कहूँगा। Hey, नहीं करता प्यार। क्या? तुम जो कर सकते हो कर लो। Hey, 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 मेरी बेटी के बदबू से तू कभी बच नहीं पाएगा। Stop this now. Stop it. तुमने शांत रहोगे? Stop it. Move and behave yourself. इनकी बेटी से प्यार करते हो इसलिए झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि नहीं करते हो इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए, आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो देखिए वहाँ ऊपर, वही है प्रॉब्लम। दिख तो ऐसा रहा कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और आप कहते हो कि वो प्रॉब्लम है। भाई क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? हेलो, चाहूँ तो तुम सबको अरेस्ट कर सकता हूँ, हम सब इंडियन से इसलिए पूछ रहा हूँ। बताओ क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम क्या है? लव मेरी प्रॉब्लम है। लव में प्रॉब्लम्स होती है तो जानता हूँ, लेकिन यह लव ही प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ बोलो जो समझ में है मेरे भाई। इस लड़की का नाम जानू है, जब पहली बार इसे देखा तभी इससे प्यार हो गया। God, I'm so excited.
रेस्ट ऑफ माय लाइफ। रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विल यू एक्सेप्ट मी? एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बोलो 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 बोलो। आज मैं कितनी खुश हूँ। क्या मैं फूल ले सकती हूँ प्लीज? क्या है, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? हमें एक लड़की को ढूंढना है और तुझे ये बहुत आसान लगता है क्यों? राम, दिस इज सिडनी, लुक अराउंड, गर्ल्स गर्ल्स हर तरफ गर्ल्स। अगर रास्ते में इतनी लड़कियां हैं तो इस एरिया में कितनी होगी सोचो, और इस शहर में कितनी होगी जरा सोचो। गॉड, मुझे बाकी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ उस लड़की में इंटरेस्ट है। अगर भाई ने तय कर लिया है देन लेट अस स्टार्ट द सर्च। तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। ओह, जस्ट मिस्ड। और आप? केमिस्ट्री, थर्ड ईयर, इसी साल एडमिशन लिया है। ओके। तुमने इन्हें इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाया? मैं रोज जिम जो जाता हूँ। जिम जाने से गाल अट्रैक्टिव हो जाते हैं? ओह, मेरे गाल। थैंक्स। सब्जेक्ट अलग है तो क्या हुआ? वी विल कीप इन टच। या श्योर। तुम्हारा नंबर मिल सकता है? यस यस, मिल गया, नंबर मिल गया। तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? रिजिका, हिज नेम इज संतोष, सेइंग अमेजिंग लाइन जोक्स। लाइन जोक्स? यस, गुड चेक। संतोष, संतोष। हाय, आई एम संतोष। हाय, आई एम जानू। मुझे लाइन जोक्स बहुत पसंद है। ओके। कौन सा लाइन जोक सुनाया तुमने? लाइन मैरिज जोक्स, लाइन एलिफेंट जोक्स, लाइन एंड फॉक्स जोक? वो लाइन एंड एंट जोक है। लाइन एंड एंट जोक? ये तो कभी नहीं सुना। नहीं सुना? सुनाऊं क्या? बोलो बोलो बोलो। मैंने उसका नंबर ले लिया। जानू, ऐसे देखना कितना क्यूट है ना। हां, क्यूट है। उसका नाम राज है और वो गोल्फ प्लेयर है। यू हैव टू बिलीव दैट। गोल्फ प्लेयर है? रियली ऑसम। हाय, आई एम जानू। हाय, आई एम राजेश। हाय, तुम गोल्फ प्लेयर हो? यस। वो लड़की हमें नहीं मिलने वाली। नो। क्या कहा बे? अरे कब तक उसे ढूंढेंगे यार? जब तक वो मिल नहीं जाती तब से बेटा सैम। राजेश, राजेश ने मैसेज किया। क्या हुआ? वो मुझसे संडे को मिलना चाहता है। क्या बात है? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। सेम है, बोलो उसे। मेरी लाइफ से निकल पड़ी यार। अब मुझे क्या करना चाहिए? नो, मुझे उसे नहीं ढूंढना। चल यार, ऐसे मत कर। सोचता हूँ जब उससे मिलूंगा तो कितना मजा आएगा, कितना एक्साइटिंग होगा। माय गॉड। हेलो, एक्सक्यूज मी बॉयज, यहाँ आ जाओ जल्दी। हे, अच्छा प्लीज हमारी एक हेल्प कर दो। पर्स भूल गई, बिल पे करना है। ये बिल का प्रॉब्लम नहीं, दिल का प्रॉब्लम है। इन चिट्स में से एक चिट निकालो। ये है क्या? इससे कहो जल्दी से निकालें। जल्दी से निकालो ना। अरे कोई बिना मन्नत प्रसाद चढ़ाए तो मन्नत पूरी नहीं होती, वैसे ही मुझे बताओ चिट में क्या है, उसके बाद निकालता हूँ। मैं सब समझाती हूँ। ये है मेरी फ्रेंड जानू, इसे प्रपोजल मिला है तीन लड़कों से। प्रपोजल तीन लड़कों से और वो भी एक साथ? गेम ओवर भाई, यहाँ तेरी दाल निकलेगी। चल 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 ना कहीं और ट्राई कर। रुको रुको रुको। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तीनों के तीनों हीरो हैं और ये कंफ्यूज है कि किसे सिलेक्ट करें और किसे रिजेक्ट करें। एक चिट निकालोगे ना तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। राजेश, महेश, संतोष, कौन होगा, कौन होगा? लॉटरी लव। ओके ओके,
तो मुझे क्या करना है? इन चिट में से एक लड़के का नाम निकालना है, यही ना? मुझसे और इंतजार नहीं होता। गोल्डन हैंड, हमारी फ्रेंड की लाइफ सेट हो जाएगी। इस गेम को मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। डोंट वरी, तुम्हें एक ग्रेट लवर मिल जाएगा। सैम, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपना ही नाम खुद उठाऊं। कम चूज। थैंक्स। एंड द वर्ल्ड्स लकीएस्ट लवर इज। यू टू, लेट्स मूव। चलो जल्दी, कम। हे जानू, उसे खोलकर बताना हु इज द लकी गाय। तब तक मेरा प्यार तुम्हारा है। राम, राम, कब से तुम्हें बुला रही हूँ मैं, सुना नहीं देता क्या? किसके ख्याल में खोए हुए हो? एक खूबसूरत लड़की के। सिडनी में फर्स्ट टाइम इतनी भोली लड़की दिखी है मुझे। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे जिक्र नहीं करो तो बेहतर होगा, मुझे नहीं पसंद। कॉफी। थैंक यू। हाँ, नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है कि मेरे सामने सिगरेट मत पी, लेकिन सुनता ही नहीं। मुझे क्या, तुम क्यों नहीं कहते? क्या कहूँ मैं उससे? चुप, देखो सिगरेट। पायलट बनना था उसे, लेकिन कर क्या रहा है? स्काई डाइविंग। कहता है उड़ने से मतलब होना चाहिए। फिर फोटोग्राफर बनना चाहता था, क्या कर रहा है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। जवाब देता है, हमें फोटो से मतलब होना चाहिए। पेंटर बनना चाहता था, कर क्या रहा है? ग्रेफिटी। कहता है क्रिएटिविटी से मतलब होना चाहिए। पागल हो जाऊंगी, पता नहीं कब सुधरेगा। सब कुछ तो जानती हो, फिर भी मुझसे कहती हो। कहाँ जा रहे हो? पेपर लेने जा रहा था। आप सच सच बता क्यों नहीं देते कि सिगरेट पीने जा रहे हो? क्या कहा? सिगरेट? तुम्हारे जीजा जी ने बहुत पहले सिगरेट छोड़ दी है। ओम। हंस क्यों रहा है? तुमने फिर से शुरू कर दिया। इन्होंने छोड़ी कब थी? मतलब झूठ बोला? छोड़ो ना, ये तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। तुम जाओ, अंदर जाओ, अपना काम करो। मतलब पेपर लेने के बहाने रोज से क्या कर रहे हो साले साहब? घर में बम फोड़ोगे क्या? कब तक डर डर के जिएंगे जीजा जी? डोंट सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर एनीबॉडी। सिगरेट पीनी है तो पी लीजिए, लीजिए ना। तुम जिसे प्यार करते हो वो शायद तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ और मुझे बख्शो, इसने तो आज मुझे फंसाई दिया था। कहाँ जा रहे हो? सिगरेट। कहाँ हो तुम लोग यार, जल्दी आ जाओ। Okay. I'm waiting here. Stop nagging. You don't rest. तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या चाहती हो मुझसे? रोज रोज की किस किस से मैं परेशान हो गया। मैं सच कह रहा हूँ कि कल मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस करो, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। सोचा था कि तुम मुझे समझोगी, लेकिन तुमने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया। क्या करोगी? मानना चाहती मुझे? Come on. I hate you. Oh yeah. All right. Here मारो, you go. मारो, मारो, take मारो me out of my sight. I don't want to see you no more. You're an awful person. Just get out of my life. May you rot in hell. I don't want to talk to you anymore. Just go away from here. Never come back here. All right. इतना क्या सोच रही है? बोपन भी कर ले। ओके, बचपन वाला तरीका अपनाते हैं। दोनों में से एक उंगली पकड़ो। ओपन कर ले, जल्दी 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 बोलो। हाय जानू, तुमने देखा मेरा नाम है या नहीं? सोचा था मेरी लव स्टोरी में विलन नहीं होगा, देखो आ गया है। चॉकलेट। हेलो। हाय मेरी जान, चिट में मेरा नाम है या नहीं? हाय। तुम डरपोक हो। मैं क्यों डरूंगी? तुम्हें डर लगता है कि कहीं मेरा नाम ना निकला? ऐसी बात है तो ये लो। चिट में मेरा नाम हुआ तो मुझसे प्यार करोगी? किसी और का नाम हुआ तो मिस कर जाओगी। तुम डरपोक हो। Cheers to everybody. Cheers, everyone. Happy anniversary. He's here. यहाँ क्यों आयो? Wow, looking beautiful. मैं चिट देख चुकी हूँ, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। मुझे परेशान किया तो? पप्पी। पप्पी? ये पप्पी कौन है? पप्पी? ये तो पालतू नाम लगता है। Yes.
जानू के लिए मैं पालतू ही हूँ। नाइस मीटिंग यू। रुको, लव है? या आई लव लव स्टोरीज। थैंक यू। गो पपी, हाथ छोड़ेंगे फिर उसे पकड़ोगे? कोशिश करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कितना इरिटेटिंग है अजय। डैडी ने तुम पर और पप्पी अंकल पर भरोसा करके इस पार्टी की जिम्मेदारी दी है। ध्यान रखना कोई भी स्ट्रेंजर अंदर ना आने पाए। ओके ओके। वो क्या हुआ? अरे क्या बात है? नथिंग। अचानक से अपसेट हो गई? आई विल टेल यू लेटर। हाय। हे लिसन, यहाँ मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही है। अगर मुझे डिस्टर्ब किया। ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं? आई नो अबाउट दैट। वाओ, मैंने विश करता हूं। नो 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 नो, लेट मी गो। अरे रुको। ओह यस श्योर। हेलो अंकल। हाय। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस आंटी। थैंक यू सो मच। तुम? मैं राम। जानू है राम। ओके अंकल, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज? नो 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 नो, प्योर लव मैरिज। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लव मैरिज। इनकी लव स्टोरी सुनकर ही तो उमड़ता है मेरा प्यार। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दियर लव, यू शुड लिसन यार। सर 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 सर, इन्हें फर्स्ट एपिसोड बताइए ना। ये कोई टाइम है क्या पप्पी? सुनाइए ना मैडम, प्लीज। प्लीज आंटी, पप्पी जी का दिल टूट जाएगा। ओके ओके, इट्स ओके। ओके लिसन, बताइए सर। मैं इनके घर पहली बार लड़की देखने के बहाने गया। ओके। और जैसे ही इन्होंने स्माइल की, मैं तो अपना दिल हार बैठा। लव एट फर्स्ट स्माइल। वाओ। फिर वो इन्हें अंदर लेके चले गए, तो इन्हें देखने के बहाने मैं भी अंदर चला गया। वहाँ इनकी फ्रेंड्स भी थी और मुझे स्माइल दे रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे क्या एहसास हुआ कि मैं तो किचन के अंदर घुस चुका था। उसके बाद क्या हुआ बताऊं? एक पेपर पे मैंने आई लव यू लिख के चावल के डिब्बे में छुपा के रख दिया। और दूर से छुप छुप के देख रहा था मैं। शॉक लगा। कैसे शॉक अंकल? वो आई लव यू वाला लेटर जो मैंने डिब्बे में छुपाया था ना, वो इनसे पहले इनकी माँ ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, 25 साल से शादीशुदा है। अंकल, आपकी लव स्टोरी की बिगनिंग सुपर्ब है। लेकिन अंकल, आज आप अपने प्यार का इजहार कैसे करेंगे? चलो। अरे यू गो गो गो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऑलरेडी कह चुकी हूँ चिट में तुम्हारा नाम। सुनो जानू, उस चिट में मेरा नाम हो या ना हो, मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है अपने दिल पर। बंदे में क्या गट्स है, फैंटास्टिक। क्या खाक गट्स है? पता नहीं तुमने इसमें क्या देखा पप्पी। कल मैं अपने गट्स दिखाकर इसके इफ्स एंड बट्स मिटा दूंगी। बताती हूँ। प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती। हाय जानू। हेलो पप्पी, आज यहाँ कैसे? ये वार्निंग देने आई है। आई एम सीरियस। वार्निंग बाद में देना, यहाँ पहले ये देखो, मेरी नई पेंटिंग आज ही बनाई है। कैसी है? ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारा स्टाइल ठीक नहीं है। क्यों, क्या बुराई है? तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गए? प्यार करता हूँ इसलिए। पॉइंट तो है। क्या पप्पी, मैं इसके बारे में जानती क्या हूँ जो उसे प्यार करूँ? तो बोलो, क्या जानना चाहती हो? गोल्फ खेल सकते हो? गोल्फ? क्रिकेट 2020 टेस्ट मैच बोरिंग लगती है। लाइन जोक्स आते हैं तुम्हें? लायन के जोक्स? गाल भी सॉफ्ट नहीं है, कोई खूबी नहीं। तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे प्यार करूं? ग्राफिटी। मैं ग्राफिटी कर सकता हूं। पप्पी, ग्राफिटी कोई ग्रेट काम है क्या? इंडिया में करोगे तो लोग कूल या हैपनिंग समझेंगे, लेकिन हर जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रॉब्लम है। ग्राफिटी को क्राइम माना जाता है। क्राइम है? फन। फन है? या फन है या क्राइम? ओहो, भागो भागो, पुलिस आ गई है। पुलिस? मैं भी निकलता हूँ। अरे बाप रे। Who the hell are you?
बचाओ। गोल्फ पसंद है, लाइन जोक्स भी पसंद है, लेकिन क्या फाइट पसंद है? अब फाइट और मुझे क्या तुम्हें फाइट करना पसंद है? ये भी कोई सवाल है? से काम नहीं चलेगा। हा? और भी कुछ चाहिए? मतलब कल मेरे साथ घूमने चलोगी? I've been married long time ago. ये क्या तुझसे मिलने के लिए जा रही है? Yeah. तुमने तो कहा था वो विलन है। पहले विलन लगता था लेकिन अब विलन नहीं हीरो है। Where did he come from? Where did he go? Where did he मगर संतोष राजेश महेश क्या वो फाइट कर सकते हैं? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। पता है आज मैंने मेकअप भी नहीं किया। Really? हाँ। नेचुरल ब्यूटी। वाओ। आई लव लव स्टोरीज। राम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सरप्राइज। ओह गॉड। ओह माय गॉड, क्या क्यूट लव स्टोरी है। नाइस वेदर। कैंगरू। वाओ। ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल। चलो चलो चलो। ए, जानू, रुको। ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। पप्पी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ, वो चला गया। चलो उतरो। मैं बाहर नहीं जाने वाली, मुझे डर लग रहा है। नहीं। ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? चलो चलो। नहीं 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 नही
लायन जोक्स बहुत सुने, लायन को करीब से देखो, देखो घबराओ मत। हाँ देख रही देख रही, मुझे डर लग रहा है। और आज के बाद नो लायन जोक्स, चूहे के जोक्स से काम चला लूंगी।
ये किस तरह की लव स्टोरी है? मैं पूछ रहा हूँ ये किस तरह की लव स्टोरी है? ट्रू लव स्टोरी। व्हाट ट्रू लव स्टोरी? वो एक बच्ची है क्या जिसे लायन पसंद है तो लायन के सामने खड़ा कर दोगे? अब अगर मुझे मौत को देखना है तो मुझे मार डालोगे तुम? क्या कर रहे हो? मैंने मौत को देखा और मैंने लायन को देखा। यकीन नहीं हो रहा मैंने असली लायन को देखा पप्पी। अरे मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे साथ आया। लव स्टोरी से मुझे नफरत हो गई है। राम 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 मैंने असली लायन को देखा पता। आई नो। ओह माय गॉड रियल लायन। इधर ही था इतनी डिस्टेंस पर। डायरेक्ट उसकी आंखों में देख रही थी मैं जानते हो। ओह माय गॉड मुझे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव इट यार। कैमरा को टच मत करो। अजित में तुम्हारा नाम हो या ना हो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम सुन रहे हो ना? आई लव यू। मैंने क्यों दिया? अब मैं क्या करूँ? मैं कितनी खुश हूँ। जिंदगी भर मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। ऐसा प्यार मुझे हमेशा के लिए चाहिए सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। बोलो 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 कम ऑन बोलो ना। इतना क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। लाइफ लॉन्ग प्यार करना मुझे नहीं आता। व्हाट रियली? जिंदगी भर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मतलब? मैं कुछ ही वक्त के लिए प्यार कर सकता हूँ। उस हादसे के बाद उससे सच क्या कह दिया, दोस्त मजाक उड़ाने लगे। वो जितना शेर को देखकर नहीं डरी होगी ना उतनी तो तेरी बातों से डर गई होगी। तुझसे प्यार नहीं कर सकती, कोई चांस ही नहीं है। मुझे पता है वो प्यार नहीं करेगी। कैसे करेगी? जब कोई पूछे तुम मेरा साथ निभाओगे तो कहना चाहिए जन्म जन्म तक निभाऊंगा। तभी तो लड़कियां टिकती हैं। मेरी वाली होगी। देख मैं कैसे मैनेज करता हूँ। हे हाय माय डार्लिंग। अभी ऑफिस पहुंची हूँ, तुम कहाँ हो? वो मैं क्या है ना विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक नन्ही बच्ची को ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। नाइस। बच्ची का नाम पता है? क्या नाम है? माया। माया। सो स्वीट ऑफ यू। आई लव यू। ए आई लव यू टू। सुई निकाल रहे, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, बाद में कॉल करूं। बाय बाय। हे दैट्स इट। लव का मतलब है थोड़े झूठ, थोड़े एसएमएस, दो फालतू जोक्स और एक फूल। ऐसा प्यार मैं नहीं करने वाला। मतलब? सच कहकर ही प्यार करूंगा। हे भागो भागो। ओहो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं ऐसे लड़के के जाल में कैसे फंस गई? हे जानू। हे जानू। न जाने मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए लेकिन तुमने एक कभी रिप्लाई नहीं किया। वो मैं थोड़ी टेंशन में थी, मैं बाद में बात करूँ। ओके टेंशन रिलीवर, मैं तुम्हें एक लाइन जोक सुनाता हूँ, ठीक है ना? लाइन नहीं। ए जानू। हे हैव यू सीन जानू एनीवेयर? हु आर यू? मैं जानू का बॉयफ्रेंड। ओहो हो ये तो मुझे फेमस करके रहेगा। हैव यू सीन हर? ए ये कौन था? पहले ये बता तू कौन है? तुम इन सबको जानते हो ना? आई नो आई नो। मैं गीतू, ये सर है। हाय तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो मैं जानू यहाँ आई थी क्या? ओ, उसी जानू ना। देखा तुमने? यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सुनो तुमने जानू को देखा कहीं? अभी तो यहीं पर थी, कहाँ नहीं कहाँ चली गई। प्लीज सेव मी गॉड, प्लीज प्लीज। जानू। हाय हाय हाउ आर यू?
I was just looking at. मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ. Girls, ये तो हमसे कह रही थी कि तुमने इसे real lion दिखाया. Wild love है क्या? कुछ ज्यादा ही. तू चुप कर. राम, तुम बताओ. पहले किसने प्रपोज किया? पहले तुमने किया या इसने प्रपोज किया? I love you किसने कहा पहले? बताओ. इसने पहले प्रपोज किया मुझे. पता था, मुझे पता था पहले यही प्रपोज करेगी. तुमने क्या जवाब दिया? और क्या जवाब देगा? रेस्ट ऑफ माय लाइफ मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, यही कहा होगा. नो नो नो, एक्चुअली मैंने कहा कि जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ. क्या कर रहे हो? हमें भी सुनने दो ना राम, यहाँ से कहीं और चलें. श्योर, चलिए. हमें उनसे दूर रहना चाहिए. सही कह रहा यार. I'll miss her. Me too. अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है. लगता है ग्राफिटी तुम्हें बहुत पसंद है. पसंद है? मेरी जिंदगी है. क्या सोच रही हो तुम? फ्यूचर के बारे में. वैसे से बनाने में कितने दिन लगते हैं और कितना पेंट लग जाता है? डिपेंड करता है हाइट कितनी है, क्या बना रहे हैं, कितने लोग बना रहे हैं. पता नहीं तुम्हें ये देखकर क्या लगता है, पर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. बहुत समय बाद एक इंसान की तस्वीर बनाई है. आई एम सो हैप्पी. तुम्हें इंसान के चेहरे पसंद नहीं है क्या? वो बहुत फेक हो चुके हैं, समझी? तो फिर तुमने मेरी तस्वीर क्यों बनाई? जब पहली बार तुम्हें देखा ना, तुम्हारी आंखों में खुशी थी, वो मासूमियत, दैट फ्रेशनेस, सब कुछ सच था. टेंशन भी सच है. तुम सिर्फ प्यार करती हो, पर मैं प्यार से प्यार करता हूँ. तू तो गई काम से जानू. इसीलिए मुझे तुम पसंद हो. तुमने कहा मुझे कुछ वक्त के लिए प्यार करोगे. हाँ तो? और उसके बाद क्या? ब्रेकअप करने का मन करेगा. और उसके बाद? ब्रेकअप करेंगे. ब्रेकअप होने तक हैप्पीली प्यार करेंगे. इस खेल में मैं ही मिली तुम्हें? तुम सच में ब्रेकअप कर दोगे? विश्वास नहीं होता. चलो. अरे बाप रे, पता नहीं आगे और क्या पता चलेगा. हाय मधु. When Victoria and the... Come. What the hell are you doing over here? Janu, my girlfriend. Huh? Janu, ये मधु है, मेरी ex. बहुत गट्स है तुम्हें जो अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलवाने ले आए. इसे विश्वास नहीं कि कुछ दिन बाद मैं इसे छोड़ दूंगा. सोचा तुम ही इसे बता दोगी. कोई गर्लफ्रेंड को एक से मिलवाता है क्या? मैं मिलवाता हूँ. ये कैसा प्यार है? इसे तो इस म्यूजियम में सजा कर रखना चाहिए. तुम इससे प्यार करती हो? हाँ? नहीं है तो हो जाएगा. तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी. ऐसा है इसका प्यार. तुम्हें इसकी खास बात बताऊं? तुम्हें इतना प्यार करेगा कि दुनिया भूल जाओगी. इसके दूर जाने के बाद भी इसे कभी नहीं भुला पाओगी. बेकार सा बहाना बनाकर ब्रेकअप कर लेगा. जानू, तुमसे मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें इसका प्यार मिला है. लेकिन तुम पर बहुत तरस भी आ रहा है क्योंकि तुम्हें भी शायद ही मेरी तरह छोड़कर चला जाए. हे मधु, यू गेट लॉस्ट. दोबारा अपनी शक्ल भी दिखाई तो जान से मार दूंगी. कम, लेट्स गो. हे, बहुत टेंशन में लग रही हो. कूल. उससे अलग होने की वजह क्या थी? क्योंकि उसके साथ काफी टाइम बिता चुका था. ज्यादा टाइम बिताने की वजह से कोई किसी को छोड़ सकता है? अभी यकीन नहीं हो रहा. आओ. बिना वजह दिया मैं किसी भी लड़की को छोड़ता नहीं. संभल के. किसी भी लड़की मतलब? जिनसे मैंने प्यार किया है. बचपन की मीनाक्षी टीचर से लेकर लेटेस्ट मधु तक. नाइन लव स्टोरीज. नाइन लव स्टोरीज. नंबर 10 पर हो तुम. धीरे धीरे. तुम 10वीं हो क्या? वो पिक्चर बाद में देख लेना, पहले ये पिक्चर देखो. तुमने कभी किसी को किस किया है क्या? लेकिन अभी भी मैं फ्रेश हूँ. दिखने में तो तुम एक्स्ट्रा मॉडर्न हो, लेकिन सोच अभी भी पुरानी है तुम्हारी. तुमने इतनी सारी लड़कियों से प्यार क्यों किया? मैं बिना प्यार के रह नहीं सकता. इतनी लव स्टोरीज में कोई बेस्ट लवर नहीं है तुम्हारी लिस्ट में? ऑब्वियसली है. कौन है वो? मैं हूँ. हाँ?
लव स्टोरीज में सबसे बेस्ट मैं हूँ। आप सिक्स लवर के साथ ब्रेकअप क्यों? ब्लडी, चाहती थी मैं रोज आई लव यू कहूँ, इसीलिए ब्रेकअप कर दिया। I love you कहलवा दी तो ब्रेकअप कर लिया। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, मैंने प्यार मांगा था, प्रॉब्लम नहीं। वाओ, six। पता है मैं रात भर सो नहीं पाई। क्यों? I love you नहीं कहना था इसीलिए ब्रेकअप कर लिया। I love you कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं कह सकता। तुम्हारे हिसाब से I love you का क्या मतलब? जिंदगी बहुत लंबी है, I love you हमेशा कहने से प्यार नहीं रहता, इसीलिए मुझे I love you पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो किसके चक्कर में पड़ गई जानू? ए, क्या बकवास गेम है ये? बकवास गेम है? हाँ। Thank you guys. Hey जानू, क्या सोच रही हो? मैं जानता हूँ। चलो प्यार करें। अभी तो उसे I love you कहने से भी डर लगता है। यार, तू अपनी फिल्म में खुद ही विलन है। अब जब तूने उसे सच बता दिया है, तो वो तुझसे क्यों लव करेगी बता? हाय, लड़की को फंसाना है तो थोड़ा झूठ बोलो, थोड़े SMS, फालतू के जोक्स और एक फूल, बस इतना ही। ए, सुबह-सुबह पीना बंद कर यार। हैंगओवर उतार रहा हूं यार। अबे तेरी तो। देखा, अगर ये भड़कने लगा है तो गर्लफ्रेंड को पता चलेगा तो वो नहीं भड़केगी, इसलिए झूठ का सहारा लेना चाहिए। तो मैं बहुत से झूठ को थोड़े से सच के साथ मिक्स कर देता हूँ, इससे वो भी हैप्पी और मैं तो डेफिनेटली हैप्पी। ए, सच्चे प्यार में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा प्यार सच्चा नहीं है। हाय माया, बेचारा तुम्हें याद करके सुबह सुबह पी रहा है। आओ माया, मैं पी रहा हूँ, इसमें मिक्स करके पी रहा हूँ, लो चेक कर लो, टेस्ट करो। हाँ, जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या मैं जानती नहीं, उससे दोस्ती रखने के लिए मना किया था, पर तुम मानती हो? मानूंगा, तुम सही हो। I hate this love story. Me too. पप्पी लव स्टोरी को हेट करे ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन तुम इतने टेंशन में क्यों हो? वो बाकियों से अलग है पप्पी। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो कैसे? अगर तुम उससे नफरत करती हो तो उसकी कोशिश बेकार है, तुम उससे प्यार नहीं करोगी, वो तुमसे I love you नहीं कहने वाला, और तुम्हारे कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत ही डेंजरस है पप्पी, मुझे तो लगता है सेफ रहने के लिए घर पर रहना ही सही होगा। यस, योर प्लान इज परफेक्टली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारे लिए घर सेफ नहीं रहा। क्यों? तो गई काम से, क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, किससे मिलना है? हाय, जानू घर पर है? जानू? शी इज माय गर्लफ्रेंड। हेलो, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो ऐसा ही है, सच बोलने की तो बीमारी है उसे। बॉस, एक्सक्यूज मी, जानू, आर यू देयर? हेलो, घर पर कोई है? अंदर आ गया। अंकल, लगता है सबको बुलाकर मुझे ऊपर पहुंचा देगा। जल्दी से कुछ करो ना पप्पी। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपने इतनी लव स्टोरीज देखी हैं, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। सिचुएशन तो बहुत देखी है, लेकिन कैरेक्टर अलग है। प्लीज पप्पी, प्लीज। इज एनीबॉडी हियर? पप्पी इज हियर। हाय पप्पी। ओए हाय भाई, छोड़ो, यहाँ किस लिए आए बताओ? जानू से मिलने। जानू से मिलने आए हो या उसकी जान लेने आए हो? लवर बॉय पप्पी चिल्ला रहा है। यस, I heard so many love stories, लेकिन तुम्हारी love story पसंद नहीं आई। Love story कैसी होनी चाहिए? Come on। लेकिन कहाँ? I'll show। See, देखो इन photos को। 55 year love story। Oh। 25 year love story। 18 years love story। Love story ऐसी होनी चाहिए। Love stories? Yes। Stories तो ठीक है, लेकिन love कहाँ है? What? What are you talking? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये family तो प्यार का सागर है, और तुम उसमें जहर मिलाना चाहते हो? तुम बहुत पापी इंसान हो। All right, puppy। कौन है रे? हाय अंकल, हाय आंटी। आई एम राम। हम जानू का फ्रेंड, फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। अब याद है डैडी, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी में यहाँ आया था। एक्चुअली आपने लव स्टोरी अधूरी छोड़ दी थी ना पप्पी, सर वही कंटिन्यू कर रहे थे। घर आए गेस्ट को तुम हमारी लव हिस्ट्री सुनाने लग गए। सुना नहीं रहा था मैडम, दिखा रहा था। आंटी, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, देखिए। इसी स्माइल से तो इन्होंने मुझे फंसा लिया था। काश ये बात अभी भी कहते। मैं तो जिंदगी भर कहता आया हूँ, इस प्यार की कहानी को भूल सकता हूँ पर कभी मिटा नहीं सकता। आपके पास तो एक है, इसके पास 10 है। क्या कुछ नहीं डैडी, राम को इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जाना, इसलिए पप्पी याद दिला रहा था।
है ना पप्पी? हाँ, यही याद दिला रहा था, अर्जेंट है। चलो 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 जल्दी चलो। हाँ अंकल, घर पर आते जाते रहा करो। श्योर अंकल, श्योर। फिर से इनवाइट किया, हट निकलो निकलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। ये कहने के लिए फोन कर रहा था, फोन नहीं उठाया तो आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? ओके। कहाँ? कॉफी शॉप। कितने बजे? 10 o'clock। सी यू एट 10। बाय पप्पी। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे टाइम देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आई हेट दिस लव स्टोरी। नो नो, तुम इतना लेट क्यों आए हो? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तुम अपने लवर से मिलने आए हो तो मुझे लगा कि जल्दी आओगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उधर चलिए सर, आइए ना सर प्लीज। हे मेरी जानू। सर 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 सर। हाँ, ये मेरा प्यार है सर, 12 साल पुराना प्यार है। पहली बार उसने इसी पेंसिल से लिखा था। ओ, डॉक्टर ने दिया इंजेक्शन। हाँ, कॉफी कप। ओ गोल, ये सिस्टम हो गया यार। इसके बारे में उसे पता है क्या? नहीं सर। क्यों? उन्होंने अगर इनकार कर दिया तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझसे क्या चाहते हो? सपोर्ट चाहता हूं सर, सीनियर हूं ना। तो ये मैटर में जाकर उसे बता दूं? नो 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 नो। हाँ? आप उसे छोड़ दीजिए। ओए। अरे सर क्या हो गया? आपने मेरा दिल कुचल दिया। दिल को कुचला? इज इट पॉसिबल? आपने कचरा इसमें क्यों फेंका? डस्टबिन है इसलिए। हाँ? ये डस्टबिन नहीं है सर, ये सब मेरी यादें हैं सर। मारी यादें हैं? क्या बोल रही है? जानू का पुराना लवर है, 12 साल से उससे प्यार करता है, मुझसे सीनियर है तो मेरा पत्ता काट रहा है। 12 साल का स्ट्रगल है। मिस्टर 12-year-old मजनू। यस। लव में तुम सीनियर सिटीजन हो चुके हो। हम्म। इसके साथ तुम खुद को कैसे कंपेयर कर सकते हो? मेरे इस भाई का लव तो बस कुछ दिनों का है और कुछ महीनों में ओवर हो जाएगा, लेकिन तुम तो सालों से लगे हो यार। भाई मानना पड़ेगा। सच कह रहे हो? बिलीव मी, इसमें सबर नाम की चीज ही नहीं है यार। मैं बेकार में आपको लेकर टेंशन ले रहा था, आप तो कंपटीशन में ही नहीं हो सर, आप तो मेरे पास भी नहीं आ सकते। थैंक यू। बॉक्स को संभालना। क्या गलत कहा यार, उसका कलेक्शन देखने लायक था। 10 बजे लेकिन आई नहीं। क्या हुआ? Hey, 8 o'clock माया से मीटिंग थी आज। हे हाय माया डार्लिंग। hey, एक बिल्ली एक्सीडेंट में मर गई है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं रास्ते में हूँ, जस्ट 5 मिनट्स। ओके चलना। चल, 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 इसका बहुत नाटक है। इसके प्यार में मुझे कितना दौड़ना पड़ रहा है। ए, जरा स्लो दौड़ना, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बेबी? उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं पप्पी? तुम्हें वो मिला कहाँ था? प्यार की फिलॉसफी बदल दी उसने। आई हेट दिस लव स्टोरी, यू नो दिस इज टू मच। इस तरह जाओगी बेबी? बॉयफ्रेंड से मिलने थोड़ी जा रही हूँ। ओके। हेलो। मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गए? वादा करके तुम नहीं आई हो। मैं तो आ गई। टाइम क्या हुआ है? टाइम पर नहीं आ सकती हो क्या? फोन किया तो उठाया नहीं, मैसेज किया तो पढ़ना जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक सॉरी तो कह सकती हो। तुम्हें लगा फालतू है तुम्हारा इंतजार करेगा? पहले मुझे टाइम पर ना आने का एक सही रीजन बताओ। बताओ मैं क्या करूँ? घर पर आ जाओ। अब तुम्हारे घर पर? फिक्र मत करो, दीदी और जीजा जी घर पर हैं। मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानना चाहती? जानकर भी क्या करूँगी, हमेशा थोड़ी साथ रहोगे। फिर अपने आप से बात कर रही हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आ रही हो ना? हाँ आ रही हूँ। कब तक आओगी तुम? 11 o'clock। अब मैं इसकी दीदी और इसके जीजा जी से कंप्लेन करूंगी, तब जाके ही सुधरेगा ये। हाय जानू। हाय। कम कम। वाह बिल्कुल टाइम पर आई हो। दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? बाहर गए हैं। इधर आओ। तुम उनसे मिलने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? तुमसे मिलने आई हूँ। तो ये क्या पहन के आई हो? क्यों? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने इस तरह आओगी? क्या प्रॉब्लम है इसमें? वन सेकंड, बी कंफर्टेबल। नाइस। हे हेलो मत, हेलो मत। वेट वेट वेट। गुड, बॉयफ्रेंड को मिलने आई हो, थोड़ा कलरफुल दिखना चाहिए ना। तुमसे एक सवाल करूं? तुम्हारा प्यार सबसे ज्यादा कितने दिनों तक टिका था? 387 days। और मिनिमम? 1 day।
लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अपना फ्यूचर सोच रही थी। बिल्कुल पागल हो जानू, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे प्यार में क्या क्या कर जाऊँ और तुम सोच रही हो कि हम अलग कब होंगे। पहले प्यार करो, बिना वजह हम अलग नहीं होने वाले, ठीक है? हमेशा मुझसे झूठ बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत क्या सुना? हाय दीदी, दीदी और जीजा जी। हम कुछ नहीं कर रहे, वो तो दीदी मेरी गर्लफ्रेंड। ये कब बनी? न जाने कब तक रहेगी। तो हमारे लिए कॉफी? हाँ जरूर। थैंक यू। हाय। इनको तो सब कुछ पहले से ही पता है। कॉफी। थैंक यू ये लो। हाँ? पियो? देखता हूँ अब सच बोलते हैं या नहीं। कहना क्या चाहते हो? जीजा जी को कॉफी के साथ सिगरेट चाहिए। कॉफी। मुझे नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? कहा ना नहीं चाहिए, ले जाओ इसे, रुकने की जरूरत नहीं। रुकूं तो क्या? कॉफी को मना करने से अच्छा है तुम्हारी सिगरेट को मना करो। क्यों मना करूं? नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना? मतलब तुम सोचती हो कि सिगरेट की वजह से कॉफी नहीं पी रहा? सोचती नहीं हूँ, मुझे पक्का यकीन है। अब जब भरोसा ही नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं। नॉनसेंस। मुझे नॉनसेंस का? हाँ, कहा? मेरी बातें नॉनसेंस और नहीं तो क्या? देखा तुम अपनी जुबान पर काबू रखो। मत करो मुझसे। ये तो आपस में ही झगड़ने लगे। तुम रो क्यों नहीं रहे? जा रहा हूँ। शट अप। यू शट अप। कौन मैं? सिडनी का बेस्ट लॉयर लैला मजनू का भी डिवोर्स करवा सकता है। आप इनसे मिल लीजिए, डिवोर्स लेना ही बेटर। मैं हमेशा आपकी भलाई का सोचता हूँ जीजा जी। हाँ भाई, तुमसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? अलग ही करोगे हमें? घटिया आदमी की घटिया सोच। छी, लॉयर का कार्ड देता है हमें, खुद का प्यार तो संभाल। ये क्या है? अपनी बहन का ही डिवोर्स करवाओगे तुम? क्यों, अच्छा आइडिया नहीं है? जानते हो दीदी और जीजा जी अब तक साथ क्यों हैं? इन्हें अलग होना नहीं आता। हाँ? तुम इस मामले में बहुत लकी हो, करेक्ट टाइम पे ब्रेकअप करना आता है मुझे। मेरा बैड लक ही खराब है। हेलो, गुड नाइट। हैप्पी बर्थडे जानू। अफेयर शुरू होने के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है। हम इसे इस तरह मनाएंगे कि तुम्हें ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। नो पप्पी, पप्पी, पप्पी। ओह, फैंटास्टिक लव स्टोरी। प्रॉब्लमेटिक लव स्टोरी। क्या हुआ बेबी? आज मेरा बर्थडे है पप्पी। ओह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं उठने के बाद तुम्हें विश कर देता, मुझे जगाने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे आधी नींद में विश करने के लिए उठा दिया। अभी विश किया? तुम्हारा बर्थडे तो गया, पक्का गया। वो कह रहा है कल का दिन यादगार बनाएगा। नेक्स्ट बर्थडे को ब्रेक ऑफ करने वाला है और इस बर्थडे को यादगार बनाएगा, पागल है क्या? मेरी लव स्टोरी की पुंगी क्यों बज गई पप्पी? पुंगी तो बजनी थी बेबी, जो बोलता है समझ में नहीं आता, जो दिखाता है दिखता नहीं, जो करता है वो सहन नहीं होता। आई नो। उसे प्यार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तूफान जैसा है बेबी। पता नहीं वो कल क्या करने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है पप्पी। प्लीज राम, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, प्लीज राम। मेरी जान, तुमने लाइफ को हर एंगल से देखा होगा, आज इस एंगल से भी देख लो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मेरी जान। ओपन योर आईज, या आंखें खोलो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे डर कर नहीं जीना चाहिए। अब अच्छा लग रहा है ना? स्माइल। जाने की जान निकाल के कहता है स्माइल करो, एक ही तो जिंदगी है, उसे तुम्हारे लिए कुर्बान नहीं कर सकती। आराम से, बी केयरफुल। जानू कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मजा आया? Please leave me. Wait, I'm coming. Life को खतरनाक एंगल से देखकर मेरी तो बैंड बज रही है पप्पी। So sad. मैंने इतनी सारी लव स्टोरी सुनी है, सब समझ में आई, पर तुम्हारी स्टोरी पल्ले नहीं पड़ी। It's not up to my standard. पप्पी, कहीं उसकी हरकतों से मुझे प्यार ना हो जाए। सुनो बेबी, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें प्यार हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में एक ही इंसान है जो तुम्हें उसके प्यार से बचा सकता है। वो कौन है पप्पी? तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी? यस, योर डैडी। आई लव यू टू। तुम खुद को क्या समझते हो? बहुत देर हो चुकी है, उसको बर्थडे गिफ्ट देकर सो जाओ।
हाय मजनू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे क्या हुआ? मेरा 12 साल का प्यार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। तुमने 12 साल का प्यार सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन किसके लिए? जानू के लिए। क्या जानू के लिए? जानू की शादी फिक्स हो गई, कल एंगेजमेंट है। जानू इज गेटिंग मैरिड? सब तुम्हारी वजह से। हे, वो तो तुझसे प्यार करती है ना, फिर ये क्यों कह रहा है किसी और से शादी कर रही है? कुछ समझ में नहीं आया। तुझे क्या लगता है, मुझे भी सैक्रिफाइस करना चाहिए? यकीन नहीं होता तुम्हारी अचानक से एंगेजमेंट तय हो गई है। जो भी हो, तेरे डैड ने तुझे बचा लिया। दूल्हे को देखा है मैंने, एकदम किलर है वो। थैंक गॉड, इसी बहाने तुम्हारी रोमांटिक लाइफ तो शुरू हो गई। वेलकम, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। हाँ भैया। Hey, तुम यहाँ क्यों आए हो? जानू से जरूरी बात करनी है। नामुमकिन, आज उसकी एंगेजमेंट हो रही है। अचानक ये फैसला क्यों? मुझसे डर के एंगेजमेंट फिक्स किया है? तुमसे क्यों डरने लगा मैं? साफ बात है अंकल, जानू मुझसे प्यार ना कर बैठे इस बात का डर है आपको। नॉनसेंस, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ओके, तो मैं 2 मिनट जानू से मिलकर आता हूँ, मुझे जाने दीजिए। यहाँ प्यार का मतलब है लाइफ टाइम कमिटमेंट, और तुम कमिटमेंट से डरते हो, और जानू ये बात जानती है। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही नहीं, जितना चाहे उतना मिल लो, कुछ नहीं होगा। ए, मिलने दो इसे जानू से। अच्छा, तो तुम शादी कर रही हो? गुड। अपने बाप से डर के कर रही हो या फिर मुझसे डर कर रही हो? ऐसा नहीं है। तो फिर ये फैसला किसने किया? मैंने। तुम फैसला भी कर लेती हो? कैसे फैसला किया? चिट निकाली? कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? कहाँ है? गुड चॉइस, हैंडसम है, कर लो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद शादी कर लो। तुम उससे अभी शादी क्यों कर रही हो? तुमने उसे चुनने का फैसला कैसे किया? वो तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगा, इसकी क्या गारंटी है? कम ऑन, जवाब दो। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, बस खुद सोचो तुम्हारे पास इसके जवाब हैं या नहीं। अगर हैं, तो राम जानू की लाइफ में कभी नहीं आएगा, अगर नहीं है तो राम को जानू से कोई जुदा नहीं कर सकता। जानू, जाओ फैसला कर लो, गो। पप्पी, वो भी मेरी तरह सैक्रिफाइस करने पे मजबूर है। सैक्रिफाइस? और वो, तुम उसे रत्ती भर भी नहीं जानते। उसे समझने की कोशिश कभी मत करना, तुम अपने आप को भूल जाओगे। ओह, ज्यादा वक्त नहीं लगा, 2 मिनट ही काफी थे। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अरे जाइए भाई साहब, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जाइए जाइए। तुम उससे अभी शादी क्यों कर रही हो? तुमने उसे चुनने का फैसला कैसे किया? वो तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगा, इसकी क्या गारंटी है? खुद सोचो कि क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है। I am not ready for marriage, daddy. अब तक तुमने लवर्स का मजाक बनाया, अब तुम शादी का भी मजाक बना रहे हो। तुम ना उसे प्यार कर रहे हो, ना उसे प्यार करने दे रहे हो, कितने बेशर्म हो यार। माया, कूल माया, प्लीज। hey, जानू ने फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में सही फैसला किया है। जाकर उसे एनकरेज करते हैं। और वो कैसे? उसके घर जाकर। अरे भागो, अरे अरे यहाँ क्यों लेके आया यार, मरवाएगा क्या? प्रॉब्लम हो जाएगी। बात को समझा कर राम। चलो यार राम, ये पक्का मरवाएगा आज। अरे राम, राम तैयार है, ये हमें पटवाएगा। मर गए। हाय जानू, कैसी हो तुम? सारा टेंशन क्लियर हो गया ना? कौन आया बेटी? हेलो अंकल। ए कृष्णा, जल्दी बाहर। मैं बस जानू से कुछ देर के लिए मिलने आया। ए, पहले तो तूने इसकी शादी तोड़वा दी, अब इतनी हिम्मत की यहाँ आ गया? तेरी भैया, इससे बात करना बेकार है, चल निकल यहाँ से। आउट, निकल, जा बुलाना। बड़े भैया, कूल बड़े भैया। अंकल, एंगेजमेंट मैंने नहीं तोड़ी है, आपकी बेटी ने तोड़ी है। हमें पता है एंगेजमेंट तोड़ने के पीछे किसका हाथ है, चल निकल यहाँ से। व्हाई आर यू टॉकिंग टू हिम, थ्रो हिम आउट। डैडी, उससे मैं बात करती हूँ, मुझे संभालने दीजिए। एंगेजमेंट तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर दूं। सही
यही कहा था, मैं चिट निकाल के फैसला करती थी। मुझे इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का हम सफर कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये नहीं जानती थी। तुम्हारी वजह से मैं इस हकीकत से वाकिफ हो पाई हूँ। लाइफ लॉन्ग मुझे लव कर सके ऐसा साथी चाहिए, और मुझे यकीन है कि वो तुम कभी नहीं हो सकते। हम तीनों तुमसे प्यार करते हैं। तुम हम में से किसे पसंद करती हो, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा जानू। वैलेंटाइंस डे के दिन मैं तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी। हाय जानू। हे बॉयज, सॉरी बिजी तो नहीं हो ना? कैरी ऑन, मैं वेट कर रहा हूं। ये प्यार करता है और ना ही हमें प्यार करने देता है। ये ऐसा ही है। तुम जाओ, इसे मैं संभालता हूं। जानू। हेलो 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 हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहा हूं, लव करता हूं यार। लव करते हो उससे? लेकिन क्या जानू तुमसे लव करती है? नहीं ना, जानू ने तो इसके नाम की चिट भी फाड़ दी थी। फिर भी इसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। मगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि वो तुमसे प्यार करेगी, तो मैं कौन सा बुरा हूँ यार। हाउ कॉन्फिडेंट बॉस, बट वैलेंटाइंस डे के दिन वो हमें अपना फैसला सुनाने वाली है। ए जानू, वैलेंटाइंस के दिन फैसला सुनाओगी? मेरी लाइफ, मेरा डिसीजन, जिसे चाहे चुनू। वो सब तो ठीक है जानू, पर जिंदगी भर का प्यार चाहिए था ना तुम्हें, उसका क्या? वो कैसे डिसाइड करोगी, पता कैसे चलेगा? तुम्हारे जैसा धोखेबाज ढूंढना मुश्किल है, पर सच्चा प्यार करने वाला ढूंढना बहुत आसान है। तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगी। नामुमकिन है। मैं ढूंढ निकालूंगी। जाओ, नहीं ढूंढ पाओगी। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। ढूंढना क्या है? यू सामने तो खड़ा है। ओके, मैं वो नहीं, लेकिन क्या उन तीनों में से कोई एक है, या फिर वो पिंक शर्ट वाला, या फिर वो ब्लू, ये व्हाइट शर्ट कैप वाला, रेड शर्ट, कौन है वो? अगर इस कॉलेज में इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इस सिटी में, इस पूरे देश में, इस वर्ल्ड में कितने सारे ऑप्शंस होंगे? तुम्हारे पास कितनी सारी चॉइसेस हैं? इन करोड़ों लड़कों में से अपना एक परफेक्ट मैन कैसे ढूंढोगी? ये बताओ, इतने लड़कों में से उस एक लड़के को कैसे ढूंढोगी? उसे ढूंढना तो पड़ेगा पप्पी, वरना वो जो कह रहा है वो बात सच साबित हो जाएगी। वो क्या थी और तूने उसे क्या बना दिया? लड़कियों को सोचने का मौका नहीं देना चाहिए यार। तुझे पता है अब क्या होगा? फोन में से उसने तेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा, तू भी डिलीट कर दे। किसे फोन कर रहा है? जानू को। यार तू इतना जिद्दी क्यों है? ये फिर से शुरू हो गया। हेलो। हाय पपी। क्या रे, तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? आउटगोइंग फ्री है तो किसी और का नंबर ट्राई कर, ये अपना फैसला तुझे पहले ही बता चुकी है, समझ में नहीं आता? चल अभी फोन रख। उसने जो कहा मैं समझ गया पप्पी, लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। What do you mean? हाँ? उससे कहो स्टूपिड फैसला है। हाँ? उसने क्या कहा पप्पी? कहता है तुमने स्टूपिड फैसला किया है। वो कहेगा और हम मान लेंगे। हाँ? लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ? हाय जानू। तुम आखिर हो कौन? तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? मैं स्टूपिड हूँ। हाँ? और मेरे फैसले भी स्टूपिड हैं। कोई डाउट है? तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो अब मैं स्टूपिड हूँ। जानू, मुझे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बारे में भूल जाओ, जिंदगी भर प्यार करने वाला चाहिए ना? हाँ या ना? हाँ चाहिए। तभी तो तुम स्टूपिड हो। मेरा डिसीजन कन्फर्म है, आई एम क्लियर। इसीलिए तो मैंने तुम्हें स्टूपिड कहा। मेरी बात याद रखो, जिंदगी भर प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो अपने प्यार पर भरोसा नहीं करता वो ऐसी बात करता है। जानू जानू जानू, मुझे अपने प्यार पर तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा है। मेरी बात समझो, लव कुछ ही देर के लिए प्यारा लगता है, ठीक है? जानू, पहले थोड़ी कंफ्यूजन होगी, धीरे धीरे समझ जाओगी। तब तक हम तुम्हारे हैं जनम। लुक, वो लड़का तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, उससे नरमी से पेश आना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ करना होगा, सबक सिखाते हैं उसे।
sent you? Tell me, who sent you? Mahendra! Wow, good shot. हाँ अंकल, ये गेम आप ही के लिए बनाई गई है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत लकी हो कि अब तक मेरे सामने खड़े हो। Be careful. मुझे तो आपकी बातों ने डरा ही दिया अंकल। गोल्फ में ना बॉल पर पीछे से वार करना पड़ता है, लेकिन क्रिकेट में सामने आते हुए बॉल को मारना पड़ता है, जो भी होता है फेस टू फेस। जानू से मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकल, बहुत ज्यादा प्यार। आप 25 रन मार चुके हैं, आपकी बेटी सेंचुरी मारना चाहती है, बस इस छोटी सी बात पर हमारी नहीं बनती। जानू से जब मैं कहता हूँ कि कुछ देर के लिए हम बहुत सारा प्यार करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। मैं उसी बात पर काम कर रहा हूँ अंकल, वो जब मेरी बात को समझेगी तो मुझसे प्यार करने लगेगी। क्यों बड़े भैया, लड़ाई करने में हमने थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं कर दी? जानू जब मुझसे प्यार करने लगेगी तब हम बैठ कर इस पर आराम से बात करेंगे। चलो देखा आपने, इसीलिए मुझे बाप और बाप का भाई बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा पंगा करते हैं। मुझे समझने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूँ, सच्चा ईमानदार दिल वाला आशिक हूँ। यहाँ की भाषा में बोलूँ तो I'm a great lover। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम उसे एक बार भी फोन क्यों नहीं कर रहे हो यार? अगर उसे हम सफर मिल गया तो फिर क्या करोगे? अच्छा होगा, तभी इस बेवकूफ को अकल आएगी। हे माया, तुझे लगता है वैसा तेरा बॉयफ्रेंड है? ए? इसलिए हमेशा कहती हूँ कि इससे दोस्ती तोड़। माया, चुप रहो ना। देखो योगी, तुम्हारी बात मानने वाला करोड़ों में एक होगा, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। क्यों माया, तुम्हें कोई मिला? राम, जानू को कोई मिल भी गया तो पहले मुझे बताइए, उसके बाद मैं उसे फॉलो करना छोड़ दूंगा। हाँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर कॉफी पीने आया था। लीजा, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, लेकिन बार बार मुझे फोन मत करो। इडियट, दिमाग खराब कर दिया। एक्सक्यूज मी बॉस, नीड एनी हेल्प? आई एम फाइन। आर यू श्योर? या या, आई एम फाइन, थैंक यू। हे सुन सुन, जानू आ गई। वो तो बहुत हैप्पी लग रही है यार, उसे कोई मिल तो नहीं गया होगा ना? कोई मिले तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। चल। हाय जानू। हाय। सपनों का राजकुमार मिला? तुम तो कॉन्फिडेंट हो ना कि मुझे नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ मैं यहाँ ये बताने नहीं आई हूँ कि मुझे कोई मिला है या नहीं। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि दुनिया में प्यार की कोई कमी नहीं है। ओह। हमारे चारों तरफ हर कोई प्यार में डूबा हुआ है। मुझे भी जिंदगी भर प्यार करने वाला राजकुमार जरूर मिलेगा। गुड, लेकिन कब? वैलेंटाइन से पहले ना? तब मिलेगा, अब मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे यकीन है जो भी होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। जानू, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया, लेकिन तुम्हें वो इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। तुम तो ऐसा ही कहोगे क्योंकि तुम्हारी 9 लव स्टोरीज फेल हो चुकी हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि मुझे मिलेगा जिनकी बहुत सक्सेसफुल लव स्टोरी रही है। सच कहूं तो उनकी स्टोरीज भी फेल हुई हैं। क्या वो भी फेलियर्स हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? पप्पी, शिल्पा, मेरी फ्रेंड सिल्क, लव में ये लोग सुपर डुपर हिट हैं, पता है? वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं तुमसे। लव झूठा है? लव झूठा है? मेरा लव झूठा है? हमारा लव झूठा है? Really? How dare you say like that? What the hell man? Please shut up. इसलिए तुम्हारा दोस्त मुझे पसंद है? माया, वो तो पागल है, उसे तुम प्लीज भूल जाओ। उसकी इतनी हिम्मत? मेरा भाई बिल्कुल सही कहता है, तुम अपनी सिगरेट पीते हो। वो सिर्फ तुम्हारे लव स्टोरी का विलन नहीं है, हम सबकी लव स्टोरी का विलन है। Hey, जानू। ओहो, क्या हुआ, पूरी गैंग लेकर आई हो? तुमने कहा कि हमारा प्यार झूठा है? सिर्फ तुम्हारे प्यार की बात नहीं की मैंने, मैंने तो जनरल लोगों की बात की। क्या हम जनरल में नहीं आते? हमारा तो पहला प्यार है, तो ऐसी बकवास कैसे सुन के ले सकते हैं? हम मामला सेटल करने आए हैं। अरे कूल बेबी, सेटल करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बोतल ओके, एक गेम खेलते हैं। ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ और डेयर? ये बोतल जिस पर आके रुकेगी उसे ट्रूथ या डेयर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि सच बोलना है दिल पे पत्थर रखकर। ट्रूथ और डेयर, तुम मुझे या फिर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सच बोलना होगा। सच मतलब सच वाला सच? और कोई सच होता है क्या? अगर ट्रूथ सिलेक्ट नहीं करते तो डेयर सिलेक्ट करना होगा, जिसका मतलब तुमसे जो कहा जाए वो करना होगा। ओके, ट्रूथ को फेस करने का डेयर है हमें। जानू,
सच बहुत कड़वा होता है। इसमें चाहे तुम जीतो या फिर हार जाओ, तकलीफ जरूर होगी, इसलिए जरा संभल कर। So, are you ready? Yes, we are ready. Ready. Okay. Let's start the game. अरे, ये तो मुझ पर ही रुक गई। Truth or dare? Truth. तुमने कहा लव कुछ वक्त के लिए अच्छा है? ये सच है। शुरुआत में लव अच्छा लगता है, धीरे धीरे वो ट्रैफिक में फंसे सफर जैसा लगता है। हेलो, यकीन नहीं होता? हैरी से पूछ लो। नहीं। ए, माया, ये contagious disease है। चलो। ब्रो, तुम्हारी बारी। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ठीक है, दो लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं जिनमें से एक कहती है उसे लव चाहिए और दूसरी किस करना चाहती है, तुम किसे चुनोगे? आई सिलेक्ट लव। तो पिंकी के साथ क्या करोगे? यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? मैं कहूंगा आई एम ऑलरेडी इन लव। एक ढंग का जवाब नहीं दे सकते? आई सेड लव राइट? उसने दो ही ऑप्शन दिए थे। अरे चिट वाली बैच। ट्रूथ। तुम तीनों जानू से प्यार करते हो, am I right? mm-hmm. तुम में से अगर किसी एक को जानू चुनती है तो जानू के लिए कुर्बानी देने वाला आशिक कौन होगा? तीनों? मतलब तीनों जानू को कुर्बान करने को तैयार हो? Let's start. सिल्क, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। उससे प्यार क्यों करती हो? वो पूरी जिंदगी मुझसे प्यार करेगा। तुम्हें कैसे पता? प्रपोज करते वक्त उसने वादा किया था। जो वादा करेगा उससे प्यार कर लोगी? क्या आज तक प्यार में तुमने झूठ बोला है? ये क्या बोतल घूमने से पहले ही सवाल पूछ रहे हो? ये बोतल जिस पर रुकेगी ये सवाल उसी के लिए है। फिर से पूछता हूँ, क्या आज तक प्यार में झूठ बोला है? ओह, थैंक गॉड। फिर से मैं ही क्यों? पास। पास फेल नहीं, फेस करो। क्विट। मतलब तुम मुझसे प्यार में झूठ बोल के आए हो? नो 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 नो, डोंट से लाइक दैट। मैंने बस तुम्हें खुश रखने के लिए छोटे-मोटे झूठ बोले होंगे। प्लीज मतलब डोंट से। मतलब मुझे खुश रखने के लिए तुम झूठ का सहारा लोगे? नो 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 नो, आई डिडंट मीन दैट। आई रियली डिडंट मीन टू हर्ट यू। पता नहीं आज तक तुमने मुझसे कितना झूठ बोला होगा। नो नो नो, अरे रुको, झूठे हो, चीटर हो। मेरी बात तो सुनो। बात मत करो मुझसे प्लीज। क्या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने अपने लवर को बुरा भला कहा है? घंटे भर फोन पर बात करते वक्त कभी ऐसा लगा है कि ये फोन कब कटेगा? लड़कियां अकेली हो तो लड़कों का क्या करने का मन करता है? मैं कहता हूँ प्यार सच्चा है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। Did you ever feel that you're with the wrong guy or the wrong girl? क्या तुम में से कोई अपना रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है? ये गेम रिस्की हो रहा है, निकल लो। ओके, वंस मोर। मुझे नहीं पता। सुनो रीटा, प्लीज प्लीज, डोंट गो। सच्चाई क्यों नहीं बताई? या बॉस, नौ लड़कियों से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है बॉस, लेकिन उनसे पीछा छुड़ाना बहुत बड़ी बात है। यू आर रियली ग्रेट। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर जाने का एक आइडिया दो ना, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा बॉस। जाकर सच बता दो। बाप रे, मुश्किल है बॉस, इट्स रियली। अच्छा बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? पिंकी। ए पिंकी, ये तुमसे दूर जाने का आइडिया पूछ रहा है? नो प्लीज। जिस स्पीड से वो आ रही है ना, बस उसे संभाल लो, अभी मार खा लो, कल बहुत खुश रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलो, आई लव यू। एक्सक्यूज मी, अगर तुम चाहो तो एक बार और हो जाए। ट्रूथ और डेयर? डेयर। स्टार्ट लविंग। Yes, we are ready. Hi. क्या है ये? अब तुम यहाँ पर भी इसे तंग करने के लिए क्यों आए हो? छोड़ो जानू, इनकी झूठी बातें सुनकर अपसेट मत हो जा। मैं अपसेट नहीं हूँ। देखो लोग कैसे प्यार में डूबे हुए हैं। वाओ। शादी करके खुश भी रहेंगे। सिल्क को देखो, ब्यूटीफुल लव एंड स्टिल एग्जिस्टिंग। मुझे भी पूरा भरोसा है। गुड। जानते हो इनके प्यार को पूरे 100 दिन हो गए हैं। इन्हें विश करने के लिए यहाँ आए थे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। अरे फिर तुम्हें भी मुझे विश करना चाहिए। लेकिन क्यों? हमारे प्यार को भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। कैसे? बताता हूँ।
जिस दिन उसने प्रपोज किया था उसी दिन मैंने तुम्हें देखा था। उसके बाद तुम कहीं गायब हो गई, पूरा सिडनी छान मारा, फिर वो चिट गेम खेलते हुए तुम मुझे नजर आई। काश मुझे कभी देखा ही नहीं। जानू, खूबसूरत लग रही हो। Hey boss, this is Sanjay. Hi. तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सच बोलने से नहीं डरते। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। SMS पर रोमांस कैसे करते हो यार? Silk, if you don't mind, हम जरा सिगरेट पी जाएं। Yeah, sure. उसके साथ क्यों भेज रही है? जाने दो ना। तो तुम हमेशा सच ही बोलते हो। I like it. तो हमें शादी में कब बुला रही हो? जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाए। That's great. सिगरेट जलाओगे प्लीज? सिगरेट के लिए समंदर पार कराओगे क्या? यही स्मोक करे। सॉरी, दो मिनट क्या हुए? उसका मैसेज भी आ गया। शिट, ओ शिट, मैसेज उसके पास चला गया यार। क्या बात है? ए, ये सपना कौन है? ओह गॉड, गलती कैसे हो गई? मर गया यार। क्या हुआ बॉस? रॉन्ग मैसेज है। मैसेज राइट है लेकिन रॉन्ग पर्सन के पास चला गया। दूसरा ट्रैक है। इसकी बहन होगी यार। इसकी बहन का तो पता नहीं लेकिन मेरी बहन जरूर बनेगी वो। मेरी कुछ तो मदद करो भाई। मुझे लगा तुम उससे प्यार करते हो। तुम तो उसे धोखा दे रहे हो। तुम झूठ को छुपा सकते हो यार, सच को नहीं छुपा सकते। जो मैसेज वो मुझे भेजता है वही सेम मैसेज वो उसे भी भेजता है। जी, उसकी तो सिल्क, सुनना सिल्क, बात तो सुन। अब मैं क्या करूं? सच्चाई का सामना करो। उससे बात तो करो। रुक जा। ओए सपना। सपना? कौन है सपना? कौन सपना? किसकी बात कर रही हो? फोन दो। क्या हुआ सिल? कौन है सपना? किसकी बात कर रही हो? अपना फोन दो मुझे। इनके बीच शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। करेक्ट है, दिखा सकता। अगर इस मिस की उस मिस के साथ जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सब आसान हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग। तुम्हारी भी तो 9 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है ना? पर एक साथ कभी दो नहीं। इन्हें रोकने के लिए तुम कुछ तो कर सकते हो ना? देखो जानू, किसी को प्यार करना होता है तो हर मौका इस्तेमाल करता है, लेकिन जब किसी से ब्रेकअप करना होता है तो वो हर मौका छोड़ देता है। सिल्क से कहो वही करे। तुम्हें विश्वास करना है, करने जाओ। तुम बहुत बुरे हो। अरे क्या लगा रखा है? नहीं किया। भूल जाओ मुझे। क्या टॉस्ट? जब देखो इमोशनल टॉर्चर। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। यही सच है। क्या सच है? तुम जो कहते हो थोड़े वक्त का ही प्यार होता है, क्या वो सच है? एकदम सच है, सही कहा। पूरा का पूरा पागल है। लड़कियां इस बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। कैसे समझाऊं? इतने घने अंधेरे में हम बिना टेंशन के क्यों चल रहे हैं? कार की हेडलाइट की वजह से। हेडलाइट का क्या लॉजिक है? अगर हम वहाँ तक चलते रहे जहाँ तक का रास्ता हेडलाइट दिखाती है तो हमारा सफर बहुत सुहाना होता है। मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है। फिर लाइफ लॉन्ग लव को क्या बोलोगे? ओह माय गॉड। बताता हूँ। इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? इतना फास्ट जाने की क्या जरूरत है? Enjoy the music. जानू, मेरे प्यार पर भरोसा करो, जैसे हम हमारे कार की हेडलाइट पर करते हैं। लाइफ लॉन्ग का मतलब है दूसरे की हेडलाइट पर भरोसा करना। वैसे चॉइस तुम्हारी है। गुड नाइट जानू, सी यू सून। ये सबके सब मूनवॉक क्यों कर रही हैं? यही होगा इसका जिम्मेदार। इनके साथ क्या किया? लाइट की फिलॉसफी दिखाई। लाइट की फिलॉसफी मतलब? बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ। दिखा मुझे। ए, इससे दूर रहने में ही भलाई है, पता नहीं क्या हो जाए। डरती क्यों अंकल, गाड़ी में भी तो साथ में है। चलिए अंदर बैठिए। अब तुम्हें मना तो कर नहीं सकते, चलो देखते हैं। Let's go. पपी, गाड़ी से उतरोगे? दरवाजा तो खोलो।
मैं जानता था इसकी लाइट की फिलॉसफी लाइट नहीं होगी, हैवी होगी। आई हेट दिस लाइट लव स्टोरी। इतनी रात हो गई, तुम अब तक सोई नहीं? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? मैं जो चाहती हूँ क्या वो मुझे मिलेगा? और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आप दोनों जैसा प्यार चाहिए। डैडी आपसे अभी तक उतना ही प्यार करते हैं ना माँ? राम की तरह सच हर कोई नहीं बोल पाता। ये सच है कि हम पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरा मतलब ये नहीं कि अभी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर प्यार धीरे धीरे कम हो ही जाता है जानू। जब आप सच्चाई जानती हैं, तो आप अब तक उनके साथ क्यों हैं माँ? एक दूसरे के साथ रहने की वजह से पहले प्यार होता है और फिर बच्चे वजह बन जाते हैं। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, जाकर सोचो। आप सुपर बॉस, 2 साल से मैं फ्रीडम फाइट कर रहा था और आपने फ्रीडम दिला ही दिया, दिला दिया। टेक इट इजी बॉस। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो बॉस, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। अब भी उम्मीद है? कुछ नहीं हो सकता, देखो लग रहा है वैलेंटाइन्स डे है। कॉलेज की हर लव स्टोरी का डी एंड करवा दिया तुमने। मैंने क्या किया है भाई? तुम्हारी लव स्टोरी का एंड कैसे करता हूँ, बस देखते जाओ। आज तो फैसला करके रहेंगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जानू। हाय राजेश। तुमने तो कहा था कि आज तुम अपना फैसला सुनाओगी। सी आई कांट सैक्रिफाइस यू। इवन आई कांट सैक्रिफाइस बॉस। मैं भी नहीं जानू। आई लव यू। मी टू। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। पहले तो मुझसे मिली थी, अब क्या हो गया जानू? जानू, तुम्हें मेरे लाइन वाले जोक्स पसंद थे। Then what happened? Please जानू, please जानू, कुछ तो बोलो। तुमने कहा था वैलेंटाइंस डे पर तुम अपना फैसला सुनाओगी, अब बताओ ना। जानू प्लीज, जानू प्लीज, गाइस जल्दबाजी मत करो। जरूरी है कि वो आज ही जवाब दे। एक बार उसका दिमाग क्लियर हो जाए तो वो जवाब दे देगी। तुम कंफ्यूज मत करो, इसे आज अपना फैसला करना ही होगा। ओके प्लीज जानू, देखा क्या हुआ, जबरदस्ती की गई भैंस पानी में, अब कर लो फैसला। असली मुसीबत तू है, जा यहाँ से। राजेश, इसकी लाइफ जान। तुम्हारे पीछे पीछे आते रहे हम और तुम खेलती रहोगी। तुमने हमें समझ के क्या रखा है, जोकर दिखाई दे रहे हैं हम लोग। फोन नंबर किसने मांगा, तुमने या मैंने? पहला फोन किसने किया था बोलो? प्यार की भाषा नहीं समझता। ओके चलो उसका हाथ छोड़। पहले मैं तेरा मुंह तोड़ता हूँ। आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। क्यों बे? बहुत नरम गाल है तेरे यहाँ। जानू के दिल में तुम में से कोई नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं हूँ। जानता है तू, ये और भी बहुत लड़कों के साथ घूमती है। तुम्हारे जैसी बहुत सारी लव स्टोरीज हैं। तुम इसे ही सपोर्ट करोगे ना? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इस बेचारी को नहीं पता इसे कैसा प्यार चाहिए। एक मिनट रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आखिर इसमें गलत क्या है? वो तो बस जिंदगी भर का प्यार मांग रही है, जिंदगी भर का साथ मांग रही है। तुम नहीं दे सकते? मैं नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? अरे बस नहीं दे सकता, बताना होगा क्यों। क्योंकि जिंदगी भर के प्यार पर भरोसा नहीं है मुझे। तुम्हें भरोसा नहीं है? क्यों भरोसा नहीं है बताओगे? कैसे बताऊं तुम्हें? ठीक है, सुनना है तो सुनो। मेरे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आखिरी दिन था, दूसरे दिन मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने वाला था। उस दिन मैंने एक परी को देखा, उसका नाम था पूजा। इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी फिदा हो जाए। उसकी स्माइल, उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, मुझे तो पता भी नहीं चला कब मैं उसके प्यार में दीवाना हो गया। हे राम, क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी है। हे!
ओए प्लीज ऑटो को रुका दो। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या? मुझे लगा तुम घर जा रही हो, यहाँ क्यों आई? घर ही तो जा रही हूँ। यहाँ से एक बार फिर से स्माइल कर। अभी अभी तो तुम कॉलेज में थी ना? अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। फ्रेंड? नाम क्या है? फ्रेंड का नाम? फ्रेंड का नाम जानकर क्या करूँगा, तुम्हारा नाम क्या है? लव हो गया है क्या? सिम्टम्स तो कुछ ऐसे ही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रेन छूटने में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम तब तक जितना चाहे लव जता लो। व्हाट? सुन भाई, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, एक घंटे का टाइम है। अरे आधे घंटे बाद आऊंगा। हेलो, दिस इज नॉट अ जोक। आधे घंटे में क्या होगा यार? अच्छा अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? फिर से हंस। अरे राम, राम, एक्सक्यूज मी, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? मुंबई। व्हाट? मुंबई? जी मुंबई। मुंबई पता चल गया। मुंबई पहुंचने तक 30 स्टेशनों पर रुकेगी। टाइम नहीं दे रही हो, कुछ नहीं बता रही हो, प्लीज नाम तो बताओ। फिर से हंसी। तुम्हारा सेल नंबर? कुछ तो बताओ यार, सिर्फ आधा घंटा। अपनी दोस्त का नाम तो बता दो। पहले तो इनकार कर दिया था। मैं पागल हूं ना इसीलिए। प्लीज। ऐसे क्या कर रही हो? ट्रेन का टाइम हो रहा है यार। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। भाई भाई सुनना भाई, पकड़ा जाओ। काम नहीं हो रहा है यार। चलो ये सब लेट जाओ यार, ट्रेन छूटने वाली है, प्लीज। हेलो, रास्ते का तो पता नहीं पर मंजिल तो है। मुंबई, उस परी का शहर। शायद इसीलिए ये शहर मुझे हमेशा से पसंद था। टैक्सी। My angel's paradise. Hey, बिना बैग लिए कहाँ भागे जा रही है? मैं अपनी दोस्त से मिलने आया। रुकिए, प्लीज। यहाँ सेल्समैन को एंट्री नहीं है। अरे समझाओ यार इसे। ओए। या। पूजा। कोई समझाओ यार इसे। Hey, hey, what are you doing? Oh my God, go! Hey. Are you mad? Go, go away! Go away! नो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लिए आधा घंटा काफी नहीं था। मतलब? लाइफ लॉन्ग प्यार चाहिए। गॉड। हे, तुम्हारी सिस्टर है ये? ये लड़का कौन है? मम्मी। मम्मी। ओ, पाये लगवा दी। मम्मी है। मतलब मेरी सासू माँ। कौन? अरे मेरे ससुर जी। कौन हो तुम? मैं आपका फ्यूचर दामाद हूँ। सब गड़बड़ कर दी तूने। ओहो, तू पागल हो गया क्या? सब मुंह पर बोल दिया, जो सच है वही कहा। अपनी सच्चाई को पेपर पर लिख। और अरे राम, देख कौन आया है। अरे राम, सुन, वापस आ जा। ओके। मुझे भी लगता है आधा घंटा काफी नहीं है। उससे प्यार होने के बाद ये मेरा पहला बर्थडे था। उसके फोन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। हेलो। टू डियर राम, अर्जेंट कॉल आने वाला है यार, फोन रखो। हेलो। हैप्पी बर्थडे राम। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हे, कहाँ हो? प्रोजेक्ट खत्म हुए एक महीना हो गया है, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो तुम? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में क्या कर रहे हो? वो मैं लव कर रहा हूँ, फोन रखो। कहता है लव कर रहा है। हाय। हाय। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे राम। थैंक यू सो मच।
मैं कल रात 12 बजे तुम्हारी विश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं कोशिश कर करके थक गई। जो हुआ भूल जाओ। लेट्स पार्टी। हम आ गए। हाय रूपा, यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात से हम भी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। गला सूख गया यार। चलो और इंतजार चलता है। चलो तुम लोग जाओ। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले फोन किसने किया? मैंने किया था ना, बताओ। आई एम द फर्स्ट पर्सन। मैं आ रहा हूँ यार। इसमें तो राम पर से पता जैसे कोई मैग्नेट हो। लेट हिम गो। चला Stupid boys. It's true. क्या कहा? Open the gift. Thank you. क्या है इस gift में? मलिका, मैं स्कूल से हमेशा मैसेज भेजती रहती हूँ, लेकिन बर्थडे के दिन मैसेज करना भूल गई। क्या बोलूँ इसे? कहता हूँ भूल गई मुझे। वैसे क्या है इस बॉक्स के अंदर? कितना भारी लग रहा है। मलिका ने फिर से मैसेज किया है कि दिखाना। सॉरी राम, सॉरी राम, सॉरी राम। अगले बर्थडे पे मैं तुम्हें सबसे पहले विश करूंगी, ये वादा रहा। सुनो तुमने, उसने वादा किया है अगले बर्थडे पर फर्स्ट विश करेगी। पक्का। काश की वो भी यहाँ होती। शी इज अ क्रेजी गर्ल। मैं जा रही हूँ राम, तुम अपनी पार्टी फिनिश कर लो। क्यों? उसके बाद मुझसे मिल लेना। बाय। हे! उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन मैंने पहली बार देखा था। राम, राम। पर उसके बाद वो एक्सप्रेशन, अरे मैंने कई बार देखा। जब देखो सिगरेट पीते रहते हो। बहुत हक जताती है। कौन है? शट अप, ये बस मेरी फ्रेंड है। तो क्या रोज 100 SMS भेजना जरूरी है? बहुत अच्छा बना है। कैसे करते हैं आप ये? वाह। और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड देंगे ना तो All the best, ये लीजिए। पहली बार मुझे लगा कि मेरे पंख काट दिए गए हैं। Love you. Love you too. जब हम इस तरह चलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। पर मुझे डर था कि ये खुशी कहीं गम में ना बदल जाए। पहली बार मैंने मल्लिका का मैसेज डिलीट कर दिया। पहली बार कुछ छुपाया। पहली बार किसी से झूठ बोला। हेलो। हाय राम, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर पढ़ लो। कहो। इतनी सीरियस क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रहा था पूजा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अगर झूठ बोलने से किसी को खुशी मिलती है तो सच्चाई की जरूरत किसे है? छोटी छोटी बातें थी, लेकिन मैं मजबूर हो गया झूठ बोलने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी मैं नहीं जानता। पहली बार मुझे वो तीन शब्द बिल्कुल फीके लगने लगे थे। हे, कॉलेज कितनी जल्दी खत्म हो गया। तुम्हारा रेगुलर ड्रिंक चॉकलेट चिप्स हॉट फज विद एक्स्ट्रा नट्स। गॉट इट। बस अभी ला। जरा फोन दे ना। गेम खेलना है। यस सर। टू चॉकलेट चिप्स वन हॉट फज विद नट्स। ओके सर। थैंक यू। पूजा, ये लो। वैसे बताओ उस लड़की का नाम क्या था? लिलिका या मलिका? टच में नहीं हो क्या? हे, सच कहूँ तो पता ही नहीं है, बहुत दिनों से मिली नहीं है ना। मुझे बताओ कि कितने दिनों से उसकी मैसेजेस डिलीट कर रहे हो? तुम मेरे मैसेजेस कब से चेक करने लग गई? देखो पूजा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने थोड़ा हाय हेलो कर लिया तो। हाय जान, और तुम अपने सभी फ्रेंड्स को कितना प्यार करते हो क्या ये मुझे नहीं पता? पूजा, समझने की कोशिश करो, वो लोग प्यारे बंदे हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। और वो तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे नहीं पसंद। चल। अरे अरे, क्या हुआ? हम तो मिलने आए थे। मैं बोल रहा हूँ ना, चल। इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो? झूठ बोलना तुम्हें छोटी बात लगती है? Why are you lying in front of me? मैं भी सोच रहा था कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। सोचा था मेरा प्यार दूसरों जैसा नहीं होगा, पर औरों की तरह मैं भी पिस रहा था।
मैं कैसे तय कर लेता कि ये मेरी जिंदगी भर का प्यार है या नहीं। प्यार प्यारा होता है। किस बेवकूफ ने कहा। ऐसा नहीं था कि हम खुश नहीं थे, लेकिन खुशी की बुनियाद झूठ पर टिकी थी। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं उसी से प्यार करूंगा, लेकिन पता नहीं था ये कब तक चलता रहेगा। मॉम और डैड से हमारी शादी की बात मैंने कर ली है। ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? सोच रहे हो कि मैंने उन्हें राजी कैसे किया है ना? मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हो। फिर वो ना कैसे कहते? तुम्हें कल घर पर इनवाइट किया है। लाइफ लॉन्ग हम लोग ऐसे ही रहे, हमेशा प्यार ही करते रहे। सारी जिंदगी ऐसे बितानी होगी। इसने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, कॉफी लो। इसने कहा कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो हम मना कैसे करते? आओ बेटी, इसके पास आओ। बहुत प्यारे लग रहे हैं ना? जिंदगी भर खुश तो रहोगी ना एक दूसरे के साथ? क्या जवाब देता मैं उन्हें? फिर से झूठ बोलता? तुमने जवाब नहीं दिया। जिंदगी भर खुश तो रहोगे ना एक दूसरे के साथ? नहीं जानता। क्या है जो तुम नहीं जानते? ऐसे क्यों कहा तुमने? हाँ, मेरे डैड पूछ रहे थे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते भी हो या नहीं। क्या जवाब दूं उन्हें? नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता। नहीं जानता। तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मुझे। मेरी आदतें, मेरे दोस्त, मेरी हॉबीज, पता नहीं और क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ऐसी है तो फ्यूचर में कैसी होगी मेरी लाइफ? तुम्हें जरा भी अंदाजा है? रोज मेरा हाथ ऐसे पकड़ कर चलती हो, कुछ महसूस होता है यहाँ? आंखों में देखो, आंखों में देखो कहती रहती हो। क्या इनमें जरा भी प्यार नजर आता है तुम्हें? आई लव यू टू दिन में हजार बार कहता हूं मैं, लेकिन वो यहां से नहीं निकलता यार। क्या इसीलिए प्यार किया था तुमसे? क्या यही असली मतलब होता है प्यार का? प्रॉब्लम क्या है? ए, जाना काम कर, पागल हो गया। लव लाइफ जहन्नुम हो जाती है अगर उसमें प्यार ना हो। नहीं चाहिए मुझे। इस तरह साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं कहीं डूब कर मर जाऊं, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे। अगर आज मैं तुमसे ये सच्चाई नहीं बयां करता, तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ जो राम होता वो असली राम नहीं होता। आज की बात नहीं मिलेंगे। चली जाओ। गो। उससे अलग होते ही मैंने खुद को आजाद महसूस किया। प्यार को जबरदस्ती संभालने की कोशिश करोगे तो प्यार फीका पड़ जाता है। Hey Max, everything is fine. I'll call you later. All right, that's fine. Okay, thank you. तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें एक जिंदगी मिली है, उसे झूठ बोलकर नहीं जीनी चाहिए। What you are trying to say? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे लगा था आप इसे गलत ठहराएंगे, लेकिन आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से शादीशुदा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जैसा इसने कहा वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम इससे बोलो हमें बार बार इसमें ना घसीटे। कोई इतने ईमानदार इंसान से प्यार कर सकता है क्या? पूछो इससे। पॉइंट, तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए किसी लड़की से प्यार करोगे तो वो तुमसे प्यार क्यों करेगी? इनकी बेटी सच्चाई से वाकिफ थी। What? वो जानती थी कि तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए प्यार करोगे, फिर भी उसने तुमसे प्यार किया। कैसे यार? How are you? I'm fine. Sure? Yeah, sure. Finish हो गई क्या? हो जाएगी।
कल ही शुरू की है। थैंक यू राम, जिंदगी भर प्यार करने वाला इंसान चाहिए था मुझे, लेकिन वो किस तरह से मुझे प्यार करता मुझे नहीं पता था, पर अब जानती हूँ मुझे तुम्हारी तरह सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। What? मैंने जो किया वो सही था? हाँ। Oh my God! अच्छा बताओ, तुम्हें बचाया था इसीलिए तो ऐसा नहीं कह रही हो ना? तुमने मुझे सिर्फ उस दिन नहीं बचाया। मतलब? पहले भी कई बार बचाया। What do you mean? बॉयफ्रेंड डिसाइड करने के लिए मैं चिट निकालने वाली थी और तुम उस गेम में शामिल हो गए और अपने नाम की चिट डालकर गलत फैसले से बचा लिया। लाइफ लॉन्ग प्यार नहीं ढूंढकर कुछ वक्त के लिए ढेर सारा प्यार करना सिखाकर तुमने फिर से मुझे बचाया। तुमसे नाराज होकर मैं शादी करने चली थी, आखिर वक्त पर आकर मुझे शादी करने से रोका, उस वक्त तुमने मुझे बचाया। तुमने सिखाया कि प्यार जितना लंबा चलेगा उस प्यार में उतना ही झूठ शामिल होगा, बहुत सारा धोखा शामिल होगा, ये सब बताकर मुझे बचाया। तुम हर बार मुझे बचाते रहे, बस मैं तुम्हें पहले नहीं समझ पाई। जानू, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की, बस अपने आप से ईमानदार रहने की कोशिश की। एनीवे, तुम समझ गई। I'm so happy। दुनिया को भूल जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत, जैसे किसी ने नहीं की हो। तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ राम, ऐसी मोहब्बत जो बेइंतहा हो, ऐसा प्यार जो मुझे जिंदगी भर मिले। जानू, जानू, जानू। प्यार मांगो मुझसे, इतना दे सकता हूँ, लेकिन प्यार पर वक्त की पाबंदी मत लगाओ यार। पता है क्यों? क्योंकि प्यार जिंदगी भर नहीं टिकने वाला। अगर ये बात मैं भी तुमसे कहूँ ना, यकीन मत करना, क्योंकि प्यार में सिर्फ दो दिल ही नहीं मिलते, दो दिमाग मिलते हैं। मेरी आइडियोलॉजी तुम्हारी आइडियोलॉजी से अलग है। मुझे क्रिकेट पसंद है, तुम्हें गोल्फ पसंद है, मुझे ग्रफिटी पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद। आज मुझे जो तुम में पसंद है वो शायद कल ना हो। तुमसे धोखेबाजी करके मैं जिंदगी नहीं बिताना चाहता। आई जस्ट कांट डू इट। मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है राम, ऐसी बातें मत करो प्लीज राम। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? अगर मैं कहूं कि जिंदगी भर तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा तो ये मेरा पहला झूठ होगा। औरों से ब्रेकअप किया क्योंकि मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना था। अगर झूठ के सहारे प्यार मांगना पड़े तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। जानू, लाइफ लॉन्ग प्यार इम्पॉसिबल है। जानू, मैं भी चाहता हूं कि ये मुमकिन हो, लेकिन झूठे दिलासे के साथ जीने के लिए तैयार नहीं। प्यार ना हो तो अलग रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके? मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। जानू, जानू, समझने की कोशिश तो करो। जानू, फिर से वही प्रॉब्लम। हैंगमैन, एनी प्रॉब्लम? नहीं थैंक्स, मैं ठीक हूं। थैंक यू। भाई कोई प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम जाननी है, लव मेरी प्रॉब्लम है। तुमने 10 से प्यार किया, लेकिन तुमने किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी को झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया। सुनो यार, दरअसल धोखा तो तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने जब सबसे प्यार किया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं। ओह, तुम जिंदगी भर एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जानता। फिर तुम्हें इस सवाल का जिंदगी भर जवाब नहीं मिलेगा। तुमने सबसे प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन आज तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी की हुई ब्रेकअप की कहानियों के अलावा कुछ नहीं। अलग होने के 10 कारण है तुम्हारे पास, लेकिन साथ रहने का एक भी कारण नहीं। कारण ढूंढने में जिंदगी खराब मत करो। लेकिन आज तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी की हुई ब्रेकअप की कहानियों के अलावा कुछ नहीं। कारण ढूंढने में जिंदगी खराब मत करो। मैरी है जीजुअल। थैंक यू।
अगर प्यार की शुरुआत खूबसूरत होती है तो अंत भी खूबसूरत होना चाहिए। अगर समुद्र की गहराई जितना प्यार चाहते हो तो उसमें डूबने से मत डरो। अगर संभालना सीख जाओ तो एक लड़की ही काफी है। जानू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मतलब मुझसे प्यार हो गया है? कुछ वक्त के लिए? हाँ? नहीं। तो फिर लाइफ लॉन्ग के लिए? पता नहीं। लाइफ लॉन्ग प्यार करने की कोशिश कर सकता हूँ। मतलब अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे? मैं झूठ बोलूँगा? तुमने कहा था लाइफ लॉन्ग प्यार करने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर हो जाओगे। मेरा दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है। और हेलो, अब जो कहता हूँ सुनो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें मुझसे जिंदगी भर प्यार चाहिए था ना, तो अब मैं तैयार हूँ। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे? मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? तुम पर भरोसा करना कब का छोड़ चुकी? तुम आखिर चाहती क्या हो? बस एक उम्मीद। लाइफ लॉन्ग तुम मुझे प्यार करोगे इस बात की उम्मीद। जब मुझे इस उम्मीद पर भरोसा हो जाएगा तब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या अजीब बात है, तुम ही बताओ इस बात का प्रूफ कोई कैसे दे सकता है? क्या इस बार ये प्रूफ कर पाएगा? झूठ बोलकर प्रूफ कर सकते हो, लेकिन सच के साथ नहीं। अपने दोस्त की तो बैंड बज गई, झूठ ही एक ऑप्शन बचा है। कन्विंस करूं तुम्हें? मुझे क्या करना होगा? पूछ भी तुम्हीं से रहा। बहुत खा लिया तुमने, बताओ क्या करूं? क्या करूं? इस चम्मच को इसे फ्रेम में लगा कर रखूं? क्या करूं इस चम्मच का? प्लीज बताओ ना क्या करूं? गोल्फ खेलोगे मेरे साथ? तुम्हें लगता है ये गोल्फ बॉल है? हाँ। नहीं पप्पी, ये मेरी जिंदगी है, माय लाइफ। अब बताओ मुझे कहाँ पहुँचाना है? वहाँ जो पोल दिख रहा है ना, उसके पास एक होल, उसमें डालो, मारो। नहीं, ये गेम में नहीं खेलूंगा। तुम्हें खेलना होगा मेरे भाई, यू हैव टू प्ले। राम, तुम क्या कर रहे हो? प्यार से परेशान हो चुका हूँ। मैं और कोशिश नहीं कर सकती। मुझसे और सहन नहीं होता। ये क्या कह रही हो? मैं और सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, हमें लॉयर चाहिए। रिश्ता तोड़ रहे? आज तक मैंने भी यही किया, ब्रेकअप करके सोल्यूशन निकाला, इतना भी नहीं सोचा। रिश्ता तोड़ने वाले कोर्ट, कानून, लॉयर्स हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को प्यार से सुलझाने की कोशिश करें तो जिंदगी में और किसी की कोई जरूरत नहीं है, खुद रास्ता निकालते हैं। मैंने हमेशा आपका भला ही सोचा है। अगर हमें रिश्ता बनाए रखने के लिए कोई वजह नहीं मिलती तो हमें वो वजह ढूंढनी चाहिए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझसे? वो जो तुम नहीं दे सकते। वो है क्या? क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? समुंदर की गहराई जितना प्यार चाहिए। कौन नहीं चाहता, मुझे भी चाहिए समुंदर की गहराई जितना प्यार, लेकिन कैसे? बिना झूठ बोले वैसा प्यार टिक ही नहीं सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? दिमाग खराब करके रखा है। अगर मैं सच्चे दिल से थोड़ा सा प्यार करूं तो क्या वो गलत है? अब क्या करूं मैं? खुद सोचो और मुझे बताओ। Nice. Let's go.
want to get off the train right now? You want to get off the train? You can't get off the train, all right? Just stay with us. Come on, let's have some fun. Just stop it. Come on. Be easy. Be cool, all right? Hands on me. Calm down. Hey, get back in here. Hey, come on. Hey, come on. Get back in here. No, baby. You're not going anywhere fish tonight. You are not escaping this time. He's back, boys. Let her go. Is he your boyfriend? Back off. Hey, you! Chalo. What's wrong? Nahi jaungi. Haath lagayega. Haath lagayega. Hey, you! Hey, you! बोला था ना हाथ मत लगा क्यों लगा लड़की का गुस्सा उस पर क्यों उतारा? I just want this matter to be clear right now. You got it? And get all the papers to my office. I don't want this guy to get away. Got it? Sure. आप यहाँ क्यों आए भैया? मैं संभाल लेता ना. Hey, बस बहुत हुआ. तुम पहले ही काफी नुकसान कर चुके हो. वो आजकल जिस तरह के सवाल मुझसे पूछती है इससे मुझे उसका फ्यूचर अंधकार में दिखता है. देखो, मैं जानता हूँ कि जानू तुमसे प्यार करती है, इसलिए साफ साफ पूछता हूँ, लाइफ लॉन्ग तुम उसके साथ प्यार से रह पाओगे या नहीं, ये बताओ. जवाब दो. और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे. और तुम्हारा हिम्मत की तो अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता. मुझे आज इसी वक्त जवाब चाहिए, नहीं तो चले जाओ. इतना क्या सोच रहा है यार, जा बता दे. क्या बताऊं उसे? तूने तो ये बात बोली थी, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो मौके का इस्तेमाल करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा. आज वही अप्लाई कर मेरे भाई. अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी ना किसी दिन तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, और आज वही दिन है. उसे बोल दे कि जिंदगी भर तू उससे प्यार करता रहेगा, वरना उसे खो देगा. जा. हाँ जा. हाँ बोलो. बोलो बोलो. क्या बोलूं? मैंने जो कहा था वही सही है, लाइफ लॉन्ग प्यार नहीं कर सकता. छे, गए कहां से? क्या बताया था और ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया? क्यों बदलूं मैं? नहीं बदलूंगा मैं. कैसी हुआ करती थी दोस्त के प्रपोजल पर भी वाओ सो नाइस कहकर चिल्लाती थी, कितनी प्यारी लगती थी. क्या ये वही शक्ल है? और उस चिट के गेम में बिल्कुल बच्चों की तरह कर रही थी, कितनी क्यूट लग रही थी. और शक्ल देखो राम, मैंने लायन देखा कहकर पागल हो गई थी. अब इसका फेस देखो, कभी मेकअप नहीं लगाती थी, नेचुरल ब्यूटी थी. तब इसमें कितनी मासूमियत थी, अब तो बस हर बात पर चिढ़ती है, लड़ती है, प्यार नहीं करती. प्यार तो दूर की बात है, थप्पड़ मारने का. मारो मारो ना. तुम तो पहले हमेशा ई करके मुस्कुराती थी, कहां है वो स्माइल? छाती ठोक कर कहा था हम तुम्हारे हैं सनम, अब क्या हुआ, कहां गया वो प्यार? नहीं.
नहीं कर सकता। और कैसे करूं मैं? क्या तुम वही जानू हो? लेकिन मेरा प्यार वैसे ही रहना चाहिए, नहीं रह सकता। मुझे क्या स्टैचू समझ रखा है? अगर यही बात है तो इतना सोच क्यों रहे हो? तुम्हें तो एक बहाने की जरूरत है ब्रेक ऑफ करने के लिए। अब तो इतने सारे बहाने हैं, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बहाने ढूंढना बंद कर दिया है। तो अब क्या करोगे? थोड़ा और प्यार करूंगा। वो खत्म हो गया तो? फिर थोड़ा और प्यार करूंगा। वो भी खत्म हो गया तो जाकर रिचार्ज करवा लूंगा। जिंदगी भर प्यार करने की कोशिश करूंगा। और वो भी खत्म हो गया तो? उसके बाद क्या हुआ? बताओ ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? उसके बाद क्या हुआ सर? और होना भी क्या था? फिर एक नई बकवास। इसकी कोई भी बात आज तक हमारे पल्ले नहीं पड़ी। इसे छोड़ दो, मेरे भाई ने कितनी बार कहा, पता है उसने क्या जवाब दिया? राम को कभी नहीं छोड़ूंगी। और जब उससे पूछा कि क्यों, बोलती है प्यार करना कोई इससे सीखो। पूरी जिंदगी उसे प्यार कर सका ऐसा उसे कोई मिल ही नहीं रहा। तो फिर हम तैयार हो गए, अब ये तैयार नहीं है। ये लोग तो तैयार थे, तो तुम्हें क्या हुआ? किसी भी लड़की से प्यार करना इजी है, प्यार ना करो तो ब्रेकअप करना और भी इजी है। लेकिन किसी लड़की से जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा प्यार करते रहना किसी नर्क से कम नहीं है। क्या ये? स्कूल में जॉब है, पेंटिंग टीचर। डैड की पहचान है, सैलरी $3,000। इस तरह बेमतलब की पेंटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ये कोई मतलब नहीं रखता तुम्हारे लिए? ये बेमतलब की पेंटिंग है, दिस इज ग्राफिटी। कॉफी या टी के भी पैसे नहीं निकलते, फिर क्या फायदा? ये मेरे लिए है, इससे मुझे खुशी मिलती है। ये मेरे लिए है, डिसाइड कर लो, मैं या फिर ग्राफिटी। ग्रेफिटी छोड़ने को कहती है, पागल समझती है क्या? मैं भला क्यों छोड़ू? Come on, राम, सोच के देख। कौन बोल रहा है कि तुझे पूरी तरह छोड़ दे? अरे सिर्फ उसे जाके बोल, that's it। आज तक तूने राम बनकर ये सब बनाया, वही तो टीचर बन के बना, क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे देख लो, सिगरेट मना है मुझे, माया ने मना किया लेकिन अभी भी फूंक रहा हूँ। पार्टी करने के लिए मना कर रखा है, देख बोतल लेके घूम रहा हूँ सिर्फ बोलने का। लव क्या है? थोड़े से झूठ, थोड़े SMS, फालतू के जोक्स और एक फूल, दैट्स इट मैन। अरे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है यार, एकदम सिंपल है, यू नीड टू लर्न मैन। क्या? हाय माया, मैं तुम्हें बस फोन करने ही वाला था, वो जबरदस्ती मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था, सॉल्व हो गया, चलो चलते हैं। माया ए, किसी के प्यार में प्यार का नाटक करना सबसे बड़ा पाप है, ये अब तेरी समझ में आएगा। सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भैया, प्यार में ही किसी से प्यार करने की नौटंकी करना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा पाप है, इसकी कोई गलती नहीं है। इससे बेहतर लड़का मेरी बेटी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। अब ये रिश्ता जोड़े या तोड़े ये इसकी मर्जी। Come on, let's go. Guys, अब क्या तुम छोड़ दोगे इसे? क्यों छोड़ू सर, बचपन से सीखा है, नहीं छोड़ूंगा। मैं एक चीज समझ गया हूँ सर, मैं सोचता रहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर वो एक झूठ था। वो इसलिए क्योंकि उससे प्यार करने से कहीं ज्यादा मैं अपने आप से प्यार करता रहा। किसी लड़की से सच्चा प्यार ना करने की वजह मैं हूँ, इसकी वजह सिर्फ राम यानी मैं हूँ। जिंदगी वजह ढूंढने में नहीं बितानी चाहिए। अब मेरे पास कुर्बान करने के लिए बस एक ही चीज बची है और वो है मेरा ईगो। माय लास्ट पेंटिंग, आज के बाद फिर कभी ग्रेफिटी नहीं करूंगा। सर जो जिनी जी ने हेल्प, नो नो
Can I ask you one more question? Yep. Who is that boy? Well, he's the world's greatest lover. Okay, the world's greatest lover. चलिए मैं निकलता हूँ सर। Hey, जरा मुझे भी ड्रॉप कर दो। कहाँ जाना? घर जाकर थोड़ा प्यार बांटना चाहता हूँ। आप भी? अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? उसे फिर आई लव यू करने जाओगे? आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है? गिफ्ट दो से। गिफ्ट तो पुराना आइडिया है सर। कोई बेहतर आइडिया बताइए। फूल कैसे रहेंगे? सब वही देते हैं। मैंने कभी नहीं दिए। ओह। बचपन में एक फूल टीचर को दिया था। उसके बाद कभी नहीं। उसे कौन सा फूल पसंद है? क्या मैं फूल ले सकती हूँ प्लीज प्लीज? पता है मुझे। बहुत बढ़िया। छोटी 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 लव स्टोरी लाइफ लॉन्ग लव स्टोरी बन जाती है। यू नो समथिंग, सिर्फ तुम्हारे आइडियाज नहीं, आइडियोलॉजी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा बताओ, थोड़े वक्त का प्यार सही है? जिंदगी भर प्यार होना चाहिए बॉस।